नाउ बेटा, एज इट वॉज प्रोमिस्ड कि वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद द न्यू चैप्टर, बट देन आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू विद द थियरी ऑफ कोरिलेशन. नाउ टू थ्री पॉइंट्स आर स्टिल टू बी डिस्कस्ड इन द थियरी एंड विच आर इम्पॉर्टेंट. से इफ आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, वॉट इज स्पूरियस कोरिलेशन, तो तुम्हारे पास इसका जवाब है किसी के पास? What is spurious correlation? Now this is 1 mark theory question asked in board exam. Are you getting it? So when I was going through with the things, there are few theory topics which we need to discuss. Emati Sauti Pellu, spurious correlation. Now, but I'll show you where the theory is, what exactly the spurious correlation is all about. Let's open your textbook. I'll share the screen with you. I'll share the screen with you. Now, can you see that? The precaution on page number 100. But a page number 100. Do you see the precautions in the interpretation of correlation coefficients? Ab usme first wala point fatafat padho. फर्स्ट वाला पॉइंट फटाफट पढ़ो. स्टार्ट रीडिंग इट एवरीबॉडी, स्टार्ट रीडिंग इट एवरीबॉडी. एंड लास्ट लाइन में जाके पता चलेगा कि व्हाट इज अ स्पूरियस कोरिलेशन. स्प्यूरियस बेटा, जिनके पास टेक्स्ट बुक है, जिनके पास टेक्स्ट बुक है, कुछ समझ में आया? आई हैव इवन शेयर्ड द स्क्रीन. लास्ट दो तीन लाइन पढ़ के तुमको पता चलेगा स्प्यूरियस कोरिलेशन के बारे में. नॉनसेंस कोरिलेशन, नॉनसेंस. ओके, एनीबडी हु अंडरस्टूड एंड कैन एक्सप्लेन मी the spurious correlation, you people could understand. And now can you explain me? No, never. Oh, bhai yaar, samjho, humne correlation mein kya dekha tha? Correlation mein humne kya dekha tha? Ke there will be two variable having cause and effect relationship. Two variable having cause and effect relationship. Now cause and effect relationship का मतलब क्या? कि एक variable की वजह से दूसरे variables की value में change आएंगे. Either the variable value will increase or it will decrease because of the change in the value of one variable. Okay. Now spurious correlation क्या बोलता है? जरा समझो. मैं अगर तुम्हें पूछूं कि मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सेल ऑफ कैलकुलेटर्स, पूरे मैंने मई महीने में कितने कैलकुलेटर सेल किए उसका तुमको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और पूरे महीने में मैंने कितने मोबाइल फोन सेल किए उसकी मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन देता हूं, और वो न्यूमेरिकल डेटा है कि भाई मई फर्स्ट को हमने 3 कैलकुलेटर बेचे, मई फर्स्ट को हमने 10 मोबाइल फोन बेचा, ये सारा कैलकुलेटिव डेटा है. बट कैलकुलेटर ना सेल मा ने मोबाइल ना सेल मा कोई रिलेशनशिप छे? पर इफ आई गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यूज के भाई कितना कैलकुलेटर सेल हुआ या तो कितना मोबाइल फोन सेल हुआ, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दे दू 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो न्यूमेरिकल वैल्यू से तुम आर तो ढूंढ लोगे. क्या बोलते हो? आर तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू से, लेकिन वो जो आर का आंसर आया है वो नॉनसेंस कोरिलेशन है, क्योंकि कैलकुलेटर और मोबाइल फोन के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है.
there isn't any cause and effect relationship between calculator and a mobile phone. तो टेक्सटबुक में देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, टेक्सटबुक में देखो एग्जांपल दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं चेक करो. जनरली इट हैपेंस व्हेन आर इज कैलकुलेटेड विदाउट द प्रायर नॉलेज अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल. फॉर एग्जांपल द टू सीरीज ऑफ अ डेटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पर्सन डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट इन अ सिटी एंड अ प्राइस ऑफ अ तुअर दाल. मतलब लोग कितने मर रहे हैं उसका डेटा लिया और कितना प्राइस है तुवेर डाल का वो डेटा लिया. अब वो न्यूमेरिकल था तो दोनों के बीच में आर तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखेगी ना कि एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं और हम तुवेर दाल कितनी पी रहे हैं, वो थोड़ी ना कोई रिलेशन है. तो अगेन एने सू के वाय ना बेटा एवो मैसेज थोड़ी ना कराए कि तमारा जेवा चाहिए सर हमारा जेवा. नॉन सेंस, तमे एवो मैसेज करो मने बेतरन जन्नो मैसेज आयो सर हमारा जेवा. नॉन सेंस. यस स्प्यूरियस, दैट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट वन मार्कर थियरी, मार्क कर लेना टेक्स्ट बुक में, स्प्यूरियस कोरिलेशन. बराबर छे. हवे द नेक्स्ट थियरी विच आई हैव टू डिस्कस. बेटा विनीता तुमने मेरे को भेजा नहीं है व्हाट्सएप पे फॉर्मूला लिख के, ऐसा नहीं चलेगा. दीक्षित ने मेरे को सारे भेज दिए. Good boy. Now, the next theory which I need to do, Vinita, don't forget, you have to now send me 20 times today. Huh? Bahut badhiya. The next theory, zara dekho, merits and demerits of Carl Pearson method, page number 83. Merits and demerits of Carl Pearson method. Do you see that? दो मार्क की थियरी आती है, दो मार्क. बेटा ये थियरी, ये चैप्टर का वेटेज मैंने बताया था ना 12 मार्क. ये चैप्टर अगर आया तो 12 मार्क्स का एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाएगा. 1 मार्क एमसीक्यू, 1 मार्कर थियरी, 2 मार्कर थियरी, देन 5 मार्कर सम्स. तो इस तरह से ये चैप्टर का वेटेज है. तो जरा लिमिटेशन, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन पढ़ो चलो फटाफट. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड. तो फर्स्ट मेरिट क्या है? द टाइप, दैट इज द नेचर, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एज वेल एज द डिग्री, मतलब उसकी वैल्यू दोनों मुझे मिल जाती है. बोथ द थिंग्स, the type as well as the nature of the degree of the relationship between the two variables can be known by this method. This is the most popular method of measuring the linear correlation between two variables, the most popular method. Now third, it summarizes high, moderate or a low correlation in a single number. मतलब मुझे पता चल जाएगा high, moderate के low correlation है. By Carl Pearson method. कितने एडवांटेज हैं? 3 मिनट लर्न करो अभी के अभी फटाफट. कल के जो एग्जाम होने वाली है बेटा. Now few students did not get the schedule properly in which the exam was mentioned. 3 to 4 exam है कल. 3 to 4 correlation. 3 to 4. उसमें थियोरी भी आएगी, MCQ भी आएगा, सब कुछ आएगा. तो जरा फटाफट लर्न करो मेरिट्स. 3 merits, 3 minutes. Learn. Come on. बड़ा कितनों का लर्न हो गया? गिव मी थम्स अप. लर्न हो गया. बेटा 3 ही तो करने हैं. थम्स अप 2 यार. चलो
ओनली थ्री मेरिट्स टू बी लर्न. क्या थे देखो जरा, द नेचर एज वेल एज द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप कैन बी नोन, मोस्ट पॉपुलर मेथड, और फर्स्ट वाला जो है डिग्री एंड हाई मॉडरेट या लो कोरिलेशन वो पता चल जाएगा. स्टार्ट करो. सुहानी ने लर्न कर लिया. हाँ सुहानी अनम्यूट, बिना देखे अनम्यूट. बट आई हैव गिवन यू द राइट. हाँ द टाइप एज वेल एज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन बाय दिस मेथड. It is the popular method and it summarizes the degree of correlation by single number. मतलब low है, moderate है, then low, moderate या तो high, कौन सा correlation है वो हमको पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये अपना advantages हो गए. Limitations जरा check करते हैं. चलो limitations. Learn तुमने करना नहीं है कुछ, लेकिन देखना है. First, अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले स्पूरियस कोरिलेशन समझाया, तो लिमिटेशन में देखो सबसे पहले वही है. इट डिपेंड्स ऑन द अजम्पशन दैट द टू वेरिएबल्स अंडर द कंसिडरेशन हैव लीनियर रिलेशनशिप. सो इफ इट इज यूज्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, देन द इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन इट कैन बी मिसलीडिंग. मतलब हमको जो दो वेरिएबल हमने जितने भी सम किए, उन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है ऐसा मान के चल रहे हैं, कॉज इफेक्ट है. लेकिन कोई ऐसे दो वेरिएबल उठाए लिए जिनके कॉज इफेक्ट नहीं है, फिर भी आर ढूंढ लिया. मतलब कैलकुलेटर एंड मोबाइल फोन के सेल में हमारा आर का आंसर है 0.90. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में संबंध है. गलत है, संबंध है ही नहीं. नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंड सेल ऑफ तुअर दाल कोई कोरिलेशन नहीं. तो अगर तुम्हें आर फाइंड आउट करी ने इंटरप्रिटेशन कर सो, तो इट वुड बी लाइक यू मिसलीडिंग, कंफ्यूजिंग, आंसर नहीं आएगा. बराबर. देन सेकंड डिसएडवांटेज क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम टू लार्ज या तो टू स्मॉल ऑब्जर्वेशंस. मतलब आर का आंसर ये कार्ल पियर्सन की मेथड से अगर मुझे ढूंढना है तो बहुत बड़े बड़े एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होंगे. तो हमने यूवी वाली मेथड तो सीखी है, लेकिन आर ढूंढने में तकलीफ होगी. और अगर बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं तो भी आर की वैल्यू ढूंढने में हमें तकलीफ होगी अगर हम कार्ल पियर्सन की मेथड से जा रहे हैं. इफ देयर आर टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, एवं कहता है एक्स नी वैल्यू बहुत मोटी छे, वाई नी वैल्यू बहुत नानी छे, तो पर आर ने फाइंड आउट करवामा तकलीफ आवे. इफ वी आर गोइंग बाय दिस कार्ल पियर्सन मेथड. ओके, नेक्स्ट द लास्ट, एटमोस्ट केयर इज टू बी रिक्वायर्ड इन द इंटरप्रिटेशन, अदरवाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स कैन बी मिसअंडरस्टूड. मतलब हम जब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो वो इंटरप्रिटेशन हमें बराबर करना है, नहीं तो अगेन अवर रिजल्ट्स कैन बी मिसलीडिंग. राइट, सो थ्री एडवांटेजेस, थ्री लिमिटेशन, टोटल सिक्स मिनट्स. लर्न अभी ऑल द एडवांटेज ऑल द लिमिटेशन. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, लर्न इट राइट नाउ फटाफट.
बेटा हाउ मेनी ऑफ यू लर्नड इट, कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू लर्नड इट, हो गया, हो गया, गिव मी थम्स अप, ओफ, बट नन ऑफ यू, कल की टेस्ट में थियरी है, हाँ थियरी छे, जील 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 डीमेरिट जील, अनम्यूट, आवाज नहीं आओ तो जील जोर दी, अजी थायो ने, अच्छा गप्पा मार बेटा गप्पा मार, हैरी बॉय हैरी, सर हेलो, हाँ हैरी, हाँ सर डीमेरिट्स ने सर, डीमेरिट्स हाँ, हाँ सर जो अगर आपने जो अजम्पशन लिए तो ए बेनु जे अगर अगर लीनियर जे लीनियर रिलेशनशिप हो अगर ए जे अपने अगर ए लोका ना हो इन लीनियर रिलेशनशिप तो जे एनो जे आंसर आवसे ने आपलो ते मिसलीडिंग એટલે રોંગ હોઈ શકે બરાબર છે એક મિનિટ ચાલુ રાખજે આ સિયા અનમ્યુટ સિયા સિયા યસ સર હા ક્યા પહેલા પોઈન્ટ મે ક્યા સમજ મે નહીં આયા मतलब assumption हमने जो लिए है दो variables बराबर तो मतलब हमको जितने भी तुमने अभी तक textbook के sum किए उसमें देख height of father height of son फिर yes. rainfall and yield ये सब हमको दिया था right तो yes, उनके sir. बीच में संबंध है practical life में भी संबंध है बराबर है yes लेकिन हमने कोई ऐसे दो variable उठा लिए जिनके practical life में कोई relationship नहीं है फिर भी तूने R ढूंढ लिया अच्छा मतलब वो गलत है ऐसे. वो आंसर आर का गलत है वो मिसलीड कर रहा है ना तेरे को कोरिलेशन बताएगा 0.90 लेकिन जैसे मैंने कहा सेल ऑफ कैलकुलेटर सेल ऑफ मोबाइल फोन दोनों के बीच में है कुछ रिलेशनशिप ओके सर नहीं है फिर भी तेरा आर का आंसर आ रहा है 0.9 तो जो तेरा आर आ रहा है वो मिसलीडिंग है ओके सर हाँ हैरी सेकंड पॉइंट हैरी हाँ सर सर પછી જે આર ની વેલ્યુ આવશે આપડી તે ઇટ ઇઝ હાઈલી અફેક્ટેડ બાય ધે મતલબ સર બહુ મોટી એક્સ્ટ્રીમ ઓબ્ઝર્વેશન મતલબ બહુ મોટી વેલ્યુઝ હશે કા તો પછી બહુ નાની હશે હા રાઈટ ઓકે એન્ડ થર્ડ અને સર અગર આપણે જે આન્સર લખીએ પાર્શિયલ પોઝિટિવ છે પાર્શિયલ નેગેટિવ છે તો એ આપણે બહુ એટલે કેરફુલી લખવું પડશે અધરવાઇઝ આપણો આન્સર ખોટો હશે આપણો ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણો જે કન્ક્લુઝન હશે ધેટ વિલ બી મિસલીડિંગ મિસલીડિંગ ધ આર આન્સર હેઝ ટુ બી ધ આર આન્સર એન્ડ ઇટ્સ ઇન્ટરપ્રિટેશન હેઝ ટુ બી પ્રોપર રાઈટ એડવાન્ટેજીસ યાદ છે હરી હા સર યાદ છે બોલ 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 ફટાફટ હા સર આ કાલ્પિયર્સન મેથડ થી આપણે ધ ટાઈપ એન્ડ એની ડિગ્રી ઓફ રિલેશનશિપ બિટવીન ટુ વેરીએબલ્સ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ ટાઈપ એન્ડ ડિગ્રી ફાઇન્ડ કરી શકીએ પછી This is the most popular method. Most popular method. And third? And it summarizes the degree of correlation in a single number. मुझे पता चल जाएगा high correlation है, low है, moderate correlation है, वो भी मुझे पता चल जाएगा by single number. जो भी मेरा answer आएगा उससे मुझे ये पता चल जाएगा by a single number. Sure. Now this was advantages and limitation of Carl Pearson method. Similarly, we have advantages and limitation by rank correlation. So, beta rank correlation ke advantages limitation pe jao. Rank correlation ke advantages and limitation per jao. That is on page number 99 merits and limitation of spearman rank correlation ab dekho iske jo merits hai na itne easy point hai ki main kya samjhaun
दे आर सो इजी, दे आर वेरी इजी पॉइंट्स. व्हाट शैल आई एक्सप्लेन, मुझे पता नहीं है, तो पढ़ते हैं देखते हैं. कुछ अगर एक्सप्लेन जैसा करने को आया तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा बेटा, डेफिनेटली इंग्लिश मैं डेफिनेटली बताऊंगा. अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो पढ़ते हैं. फर्स्ट द मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड, देन द कैलकुलेशन रैंक कोरिलेशन कैलकुलेशन मेथड इज इजियर देन कार्ल पियर्सन. वो तो है, खाली हमें रैंक ढूंढ लेना है, फिर डीआई करके डीआई स्क्वायर. इट इज द ओनली मेथड व्हेन द डेटा इज क्वालिटेटिव, तभी हम ये यूज कर पाएंगे. एंड इवन व्हेन द डिस्पर्जन इज मोर और व्हेन द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस आर प्रेजेंट इन द डेटा, स्पीयरमैन फॉर्मूला इज प्रेफर्ड ओवर कार्ल पियर्सन. फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट मार्क करो, फोर्थ मेरिट इंपॉर्टेंट मार्क करो कि जब हमारे ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम है, छोटे बड़े हैं और उनकी वैल्यू भी बहुत बड़ी बहुत छोटी ऐसी आ रही है, तो डिस्पर्जन उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा. तो कार्ल पियर्सन को अवॉइड मारो, स्पीयरमैन मेथड से ढूंढो, रैंक कोरिलेशन मेथड से ढूंढो. ओके ओके पढ़ेंगे, लर्न करो. चलो चार पॉइंट फटाफट लर्न इट. आई विल शेयर द स्क्रीन. बेटा फोर पॉइंट्स लर्नड, इजी टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेशंस आर इजी, व्हेन द डेटा इज क्वालिटेटिव तब हमें यूज करना है, एंड जब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है तो कार्ल पियर्सन की मेथड से ज्यादा स्पीयरमैन की मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है. ट्राइस करेंगे, चलो ट्राइस करेंगे. यस मयंक अनम्यूट. हेलो सर. यस मयंक. स्पीयरमैन मेथड सर वो इजी छे, अने પછી स्पीयरमैन मेथड कार्ल पियर्सन मेथड करता पण इजी छे. कार्ल पियर्सन. अरे बेटा इंग्लिश में बोलो ना, ये गुजराती में हमें थोड़ी ना लिखना है यार, प्लीज इंग्लिश में. स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड इज अंडरस्टैंडेबल, પછી इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, પછી स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड इज इजीयर देन द कार्ल पियर्सन मेथड. द मेथड द कैलकुलेशंस आर इजीयर देन कार्ल पियर्सन. बहुत बढ़िया. पची इट इज ओनली मेथड इज यूज्ड इन अ क्वालिटेटिव डेटा, व्हेन द डेटास आर क्वालिटेटिव दिस मेथड इज टू बी यूज्ड. वेरी गुड. देन फोर्थ पॉइंट એટલે સર કઈ વેલ્યુ મોટી હોય, व्हेन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, तो कार्ल पियर्सन मेथड से हम ये स्पीयरमैन मेथड इज प्रेफर्ड. Yes. The method is preferred. Do you get that? Yes, sir. But do you get that? Four advantages. Limitation kya hai? Zara padhte hain. Chalo. Four advantages ke baad teen limitation. Since the ranks are used in the instead of the actual observation, there is a loss of some information underlying. Ki hum actual information ke badle ranks ko use kar rahe hain, to kuch information will be lost. So this method underline will not give accurate value of correlation coefficient. Accurate जवाब मुझे नहीं मिलेगा correlation coefficient का जो Carl Pearson के formula में हमको मिलता था. Accurate नहीं मिलेगा. बराबर है. So पहला limitation क्या है कि हमें actual observation use नहीं करने हैं. हमको rank assign करके फिर ये ढूंढना है. So some information are being lost. तो एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा. एक्यूरेट. सेकंड क्या है देखो, अनलेस द रैंक्स आर बीइंग असाइंड,
इट इज टीडियस टू असाइन द रैंक. मतलब सम में हमको पहले से ही रैंक अगर दे दिया हो तो मज्जा नहीं लाइफ छे. लेकिन अगर हमें रैंक असाइन करने हैं एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 20-25 इतने लोगों को रैंक देना है तो हम रैंक दे दे के तुम जो अभी दिख रहे हो मुझे ऐसे हो जाओगे, तुम थक जाओगे, तुम थक जाओगे, तुम थके हो मान दे हारे थके जाओगे तुम लोग. इट इज टीडियस टू असाइन द रैंक्स. मतलब सम में रैंक आप ही दो तो फटाफट सम थी जैसे. बट इफ आई हैव टू असाइन द रैंक तो बेटा वाट लागली. इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लार्ज वाट लागली. नेक्स्ट नेक्स्ट दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस. वहां पर लिखी दिया है इट विल कम इन योर हायर स्टडीज. बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कि जहां पर हम दो वेरिएबल को ध्यान में रख के उनकी फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं. दो वेरिएबल दिए होते हैं, एक बाजू क्लास है 10, 20, 30, 40, 50, दूसरी बाजू क्लास है 5, 10, 15, उनकी फ्रीक्वेंसी दी होगी. ऐसा एक बाइवेरिएट टेबल बनाना पड़ता है जो आगे जाके तुमको पढ़ने में आएगा. तो उसके लिए ये रैंक कोरिलेशन ना चले क्योंकि बाइवेरिएट में कोने कहो रैंक अपन है ना खबर पड़े अपन है. तो वी गो फॉर कार्ल पियर्सन मेथड. फटाफट लर्न करो, तीन लिमिटेशंस है लर्न करेंगे. फटाफट बेटा लर्न हो रहा है, लर्न हो रहा है. कितनों का लर्न हो गया, कितनों का लर्न हो गया? एडवांटेजेस लिमिटेशन बोथ, एडवांटेजेस लिमिटेशन बोथ. सृष्टि? यस सर. यस सृष्टि. या फर्स्ट एडवांटेजेस और लिमिटेशंस? एडवांटेजेस. ओके. इट इज वेरी इजी मेथड. इट इज इजीयर देन कार्ल पियर्सन्स मेथड. देन इट इज ओनली यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डाटा. And then when extreme observation are there, we use rank correlation over Carl Pearson's method. Okay. Limitations? Okay. There is a loss of some information because we use ranks instead of observation. So we cannot have accurate result. Second, it is hard to assign rank when there is large number of observations. Okay. And we can't use a bivariate,
we can't use this method for bivariate frequency distribution. Bivariate के लिए ये method useful नहीं है. बहुत बढ़िया. Now see, one more important note related to Spearman method is given, which can be asked in your exam, in your MCQ, page number 97 पर ये जो activity लिखी है उसके ऊपर है ये. Note, do you see that? Note. उसमें पहली नोट हमने सम डिस्कस करते वक्त कर ली थी कि द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ आर एक्स एंड आर वाई विल बी इक्वल टू जीरो. आर एक्स एंड आर वाई का जो डिफरेंस है दैट विल बी जीरो. ओके, नाउ इफ आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मतलब रैंक ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ वाई. मतलब रैंक ऑफ एक्स क्या है? 4, 5, 3, 2, 1. रैंक ऑफ वाई भी है 4, 5, 3, 2, 1. रैंक ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ वाई 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1. तो डी आई देखो जीरो आएगा, डी आई एंड डी आई का स्क्वायर भी जीरो आएगा. चेक करो, डी आई का स्क्वायर भी जीरो आएगा, तब मेरे आर का आंसर देखो इक्वल टू 1 आएगा. 1 ये एमसीक्यू में आता है कि व्हेन आर एक्स विल बी इक्वल टू आर वाई व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी +1. बराबर है. एंड द थर्ड, इफ द रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई आर एग्जैक्ट, अंडरलाइन करो, रिवर्स ऑर्डर में. नाउ रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या? आर एक्स का रैंक है 1, 2, 3, 4, 5, आर वाई का रैंक है 5, 4, 3, 2, 1. आर एक्स 1, 2, 3, 4, 5, आर वाई रिवर्स ऑर्डर 5, 4, 3, 2, 1. तो देखो उस टाइम पे हमारे आर का आंसर क्या आएगा. चेक करो, my value of r will be equal to -1. My value for r will be equal to -1. तो जब आर एक्स एंड आर वाई दोनों सेम है, इक्वल है, तो मेरे डी आई स्क्वायर का टोटल जीरो हो जाएगा, तो r की वैल्यू 1 होगी. एंड जब आर एक्स एंड आर वाई आर इन द रिवर्स ऑर्डर, दे आर इन द रिवर्स ऑर्डर, तो मेरे आर की वैल्यू हो जाएगी -1. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी आप लिख लेना. ठीक है, विद दैट आई कैन रियली कंक्लूड दैट अलॉन्ग विद द थियरी द एंटायर चैप्टर इज नाउ ओवर. स्पूरियस कोरिलेशन, लिमिटेशन, एडवांटेज ऑफ कार्ल पियर्सन, तुम्हारी शक्ल बता रही है कुछ याद नहीं है, लिमिटेशन एंड मेरिट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन, तो वो सारी चीजें प्लीज लर्न कर लें. ठीक है,